दोस्तों एसी की आउटडोर यूनिट में पूरी गैस लीक हो जाए या हम इसमें कोई रिपेयरिंग करते हैं जैसे कि इसकी हीटिंग जाली को हम नया लगाते हैं, इस समय दोस्तों हमारे पास मान लो वैक्यूम पंप नहीं है और इस एसी को तैयार करके भी देना ज़रूरी है, तो दोस्तों हम कैसे बिना वैक्यूम पंप के एसी को वैक्यूम कर सकते हैं इमरजेंसी केस में। तो दोस्तों हम आज की इस वीडियो में देखेंगे, इसी टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों मैं राजेश वर्मा, आप देख रहे हैं रिया होम सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमने इस आउटडोर यूनिट की पुरानी वाली जो कॉइल थी लीक हो गई थी, जिसके कारण से हमने इस आउटडोर यूनिट में नई कॉइल लगाया है। अब हमारे पास यहाँ पर फिलहाल वैक्यूम पंप नहीं है और इस एसी को हमें चालू करके भी देना है। यहाँ पर हम देखते हैं आउटडोर यूनिट की कंप्रेसर से कनेक्ट होकर ये वाल आई है, एक पतली वाली, और ये यहाँ पर देखते हैं दूसरी जो वाल है ये थोड़ा सा इससे मोटा है। दोस्तों मेरे पास है डेल्टन की स्प्लिट एसी की आउटडोर यूनिट, जिसमें लगी है 1/4 की वाल और एक तरफ लगी है हाफ की वाल। हर कंपनी की अलग अलग एसी में टन के हिसाब से ये जो वाल की मोटाई है वो अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों हम अब वैक्यूम के बारे में समझते हैं, दरअसल वैक्यूम है क्या चीज़। कंप्रेसर, हीटिंग कॉइल, इंडोर यूनिट कॉइल, कंप्लीट पाइपलाइन जो बिछी रहती है उसमें बाहर की हवा जब अंदर आ जाता है और उस हवा को हम अंदर से बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं वैक्यूम करना। चलिए अब इस वाल की जो खेल है उसे हम समझते हैं। जब हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे तो ये जो पतली वाली वाल से एयर जो है बाहर की तरफ निकलेगा और ये जो मोटी वाली वाल लगी है इससे जो एयर है वो अंदर की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ से खींचता है और यहाँ से ये फेंकता है। तो इसे हम कैसे वैक्यूम कर सकते हैं, एलेंकी पाना से यहाँ पे जो वाल लगी है इसे यहाँ से अच्छी तरह से हमें लॉक कर देनी है ताकि यहाँ से ये हवा को अंदर की तरफ खींच नहीं पाए, लेकिन जब कंप्रेसर चलेगी तो उसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत एयर होगा उसे ये इस वाल से बाहर फेंक देगा। दोस्तों हमें कम से कम एक मिनट के आसपास चलाना है, एक मिनट के बाद हम ये पतली वाली वाल को भी अच्छे से लॉक कर देंगे और लॉक करने के बाद हम कंप्रेसर को बंद कर देंगे, इससे ये जो है थोड़ी सी इसके अंदर जो भी एयर होगी वो बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको बिना वैक्यूम पंप के इमरजेंसी केस और ज़रूरी है तभी वैक्यूम करें। वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करना अच्छा होता है, लेकिन जब वैक्यूम पंप नहीं है तभी इस तरह की काम करें। मैंने खुद इस तरह की काम किया है और वो आज तक भी सक्सेसफुल है। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना, आपके काम आए तो इसे आगे शेयर करना, और एसी से जुड़ी कोई सवाल जवाब हो तो दोस्तों हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख कर हमें बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा क्योंकि हम एसी से ही जुड़ी रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।